तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम आपको लेके आए हैं महेंद्रगढ़ के किले में, जो कि महेंद्रगढ़ से कुछ ही दूरी पे सतनाली रोड के पास एक माधवगढ़ गांव है, वहां पे ये किला है। आज हम आपको इसका टूर कराते हैं, ये आपको किले की कुछ जानकारी दिखा रहे हैं। और आप जब भी यहां पे आए तो यहां की जानकारी लेके आए, क्योंकि हमारे साथ अब आप देख सकते हैं, जैसे कि हम अपनी बाइक को यहाँ पे खड़ी करके आगे जा रहे थे तो यहाँ बाइक का रास्ता बंद किया गया था। और आप देख सकते हैं ये किले के बाहर का नज़ारा, और ये सामने बना हुआ है रानी का किला। और हम यहाँ कुछ ही दूरी पे चलने के बाद हमें पता चला कि ये किसी कारणवश बंद था, यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। हमें बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि हम इतनी ऊपर चढ़ाई करके आए और ये किला बंद मिला हमें, तो बहुत ही दुख हुआ हमें कि हम इतने ऊपर आके भी नहीं देख पाए किले को। पर हम आपको दिखा रहे हैं गाइज बाहर का नज़ारा, तो देख सकते हैं गाइज। आप यहाँ पे जब भी आए तो अपनी जानकारी लेके आए कि किला खुला है या बंद है। हमें आने के बाद पता चला कि ये बंद था और हमें बहुत ही निराशा हुई। और आप देख सकते हैं कि हम आपको ये बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, और हमें यहाँ पे आने के बाद पता चला, हमारे पास कोई भाई आके बता रहा था कि आपको ये किला तो बंद मिलेगा, पर इसके साइड में नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे रानी का तालाब मिलेगा, वो देख सकते हो। तो अब हम तालाब की तरफ जाने लगे निराश होके, क्योंकि किला बंद था। तो तालाब की तरफ जा रहे थे और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी हरियाली है, और हमें बहुत नीचे जाना पड़ा रानी का तालाब देखने के लिए। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई के, और वो आपको ऊपर दिख रहा होगा देखना, हम आपको थोड़ी आगे चल के दिखाएंगे। देख सकते हो हमारे श्रवण भाई यहाँ पे किला का जायजा ले रहे हैं। और धीरे धीरे चलने के बाद हमें पता चला कि देखो वहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो है महेंद्रगढ़ का फोर्ट, महेंद्रगढ़ का किला। और ये हालांकि है हरियाणा के अंदर, पर आप यहाँ आओगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा अनुभव होगा कि आपको जैसे कि राजस्थान के किसी गांव में आ गए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे राजस्थान में मिलते हैं ऐसे किले। और पहले ये किला एकदम टूट फूट गया था, पुरातत्व विभाग की निगाह नहीं थी इस किले पे। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पे काम चालू हो गया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रानी का तालाब है उसके अंदर भी रंग रोगन का काम चल रहा है। हालांकि हमें आने के बाद पता चला कि तालाब बिल्कुल खाली किया गया हुआ है, क्योंकि रंग का काम चल रहा है यहाँ पे, और जो टूट फूट हो रही थी उनको सुधरवाया गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है रानी का तालाब। ये हमारा शरण भाई है, इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही थी तालाब को देखने की, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी बार आते हैं महेंद्रगढ़ पर, हमने नाम सुना था, हमने कभी ये किला देखा नहीं था। और आज हमारी इधर की विजिट थी तो हमने सोचा क्यों ना किला देखा जाए। हालांकि दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा धूप थी, हमें किला बंद मिलने के कारण बहुत निराशा हुई। पर ये रानी का तालाब देख के हमें खुशी भी मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकृति से ये तालाब बनाया हुआ था। और इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पुरातत्व विभाग इसके अंदर अभी कुछ दिनों बाद पानी डाल देंगे, और ये कि टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा, हरियाणा की एक धरोहर है। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे प्यारा सा, और बेल आइकन जरूर दे।